आमतौर पे बरसात का सीजन चल रहा है और मैं अभी खड़ा किसी खेत में नहीं हूँ। ये रोड है जो कि जोड़ता है जिसे ब्लॉक और थाना के। अभी मैं हूँ मोहम्मदपुर पे, मोहम्मदपुर बाजार जो कि बैकुंठपुर के इलाके में आता है। नमस्कार, और आपकी बात देखना शुरू कर चुका है। आमतौर पे बरसात का सीजन चल रहा है और मैं अभी खड़ा किसी खेत में नहीं हूँ। ये रोड है जो कि जोड़ता है जिसे ब्लॉक और थाना के। अभी मैं हूँ मोहम्मदपुर पे, मोहम्मदपुर बाजार जो कि बैकुंठपुर के इलाके में आता है। यहाँ से तीन दिग्गज नेता जो है, जिनका मैं पहले बता दूं, पहले मंजीत सिंह यहाँ ने 5 साल राज किया, फिर उसके बाद मिथिलेश तिवारी, फिर उसके बाद आते हैं प्रेम शंकर जी जो कि अभी सत्ताधारी में है, यानी कि सत्ता में है, हालांकि उनकी सरकार नहीं है पार्टी में। तो फिर से मैं बात करूँ, यहाँ के कुछ व्यापारी लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिखाएं। ये एक किराना का दुकान है, इसके अलावा ये कपड़ा का दुकान है, आप देख सकते हैं सामने कपड़ा की दुकान है, इसके अलावा ये ज्वेलरीज का दुकान है, उसके बाद ये बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, एक अंकल जा रहे हैं, जिसे बुजुर्ग आदमी जा रहा है, किस अवस्था में जा रहा है, और मक्का उधर से ड्राइव करके आ रहा है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, इसी चीज़ पर चर्चा होगी। मैंने बताया था कि बैकुंठपुर में तीन दिक्कत नेता है जिन्होंने इसका काज करने का, यानी एक बार काज किया है, हालांकि आमतौर पर यहाँ पे उन्होंने काम दो अच्छा काम किया। पहला काम किया नारायणी रिवर फ्रंट किया, ये अच्छी बात है। उन्होंने अपने रिस्क में दो काम किया, एक किया तो डाल दिया, उसके बाद काम में जिक्र करना इतना जरूरी है, मोहम्मदपुर और खाना जी। आप बताए अपना नाम पहले क्या समस्या है? ये समस्या आप लोगों ने किसी से बताया था, विधायक MLA या यहाँ के कोई प्रतिनिधि हो? जी नहीं, हम लोग किसी से बताया नहीं है, पर हम तो आते जाते रहते हैं। तो ये प्रमुख वगैरह आप लोगों ने किसी से बताया कि ऐसे समस्या आ रही है? तो आमतौर पे यहाँ पे MLA और जो थाना प्रभारी है और ब्लॉक के हैं, BDO है, CO है, इन सभी लोगों का रोड के उस साइड था, दक्षिण दिशा था। अब मैं खड़ा हूँ मोहम्मदपुर के, इसलिए मैं जिक्र कर दूं कि ये कोई खेत नहीं है। फिर से ये जो आपको दिख रहा है, ये पानी, ये NH का एरिया है, और ये थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी स्कीम के पास दी गई है, लेकिन पानी का जो ये निकासी वहाँ बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं लोगों से बात करूँगा, ये रोड जो है कितने बार रिपेयर हो चुका है, अगर हम लोग प्रयास करें एक बार में अगर एक बाइक चला जाए तो